अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अक्सा 07। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल होममेड चूरन। तो फ्रेंड्स, ये चूरन बहुत अच्छा है। जैसे आप सफ़र में जा रहे हैं, आपका लंबा सफ़र है, तो आप इस चूरन को सेफ्टी के साथ अपने साथ रख सकते हैं। इसे स्टोर भी कर सकते हैं हम, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी चलता है। फ्रेंड्स, बाज़ार के चूरन या बाज़ार के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें मिलावट ज़रूर होती है, लेकिन कोई चीज़ जब हम उसको अपने घर में और अपने हाथों से अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं तो वो चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड, चलिए हम बनाते हैं अपना होममेड चूरन। जैसा कि आप जानते हैं, सौंफ, तो यहाँ मैंने 3 टीस्पून भर के लिए सौंफ, और सौंफ जो होती है हमारे पेट के लिए और खाने को हजम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ मैंने लिए 3 चम्मच भर के सौंफ। यहाँ मैंने लिए 1 टीस्पून मेथी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेथी जो होती है वो पित्त रोगों को दूर करती है, और सर्दी खांसी में भी ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ मैंने लिए 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन भी सर्दी खांसी को दूर करती है और ये पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा। जो पेट में हमारी गैस बनती है ना, उसके लिए ज़ीरा बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने 1 डिब्बी लिए हींग। तो फ्रेंड्स, ये हींग और ये सारी चीज़ें मिलकर पेट को बहुत हल्का महसूस कराएंगी, और जब आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच इस चूरन को लेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया है, क्योंकि सर्दी के मौसम में खाना बहुत देर से डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए ये होम रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक ख़ास चीज़ है जो मैं बिल्कुल लास्ट में मिलाऊंगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक पैन लिया है, और पैन में हम डाल देंगे सौंफ को, और हमारा जो फ्लेम है वो रहना चाहिए बिल्कुल लो। और हमें सारी चीज़ें एक साथ इसमें नहीं भूननी है, हमें थोड़े थोड़े गैप देकर हम इन चीज़ों को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, सिर्फ रोस्ट। लेकिन ये ऐसा ना हो कि ज़्यादा भुन जाएं, अगर ये भुन जाएंगे तो खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और ये आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन आप इसे हल्का हल्का लो फ्लेम पर अगर भुनेंगे तो इसका टेस्ट और रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। तो इसे हम 2 से 4 मिनट ही बस लगेंगे हमें इसे भुनने में। फ्रेंड्स, सौंफ अच्छी तरह से भुन चुकी है, अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को भी 2 मिनट लगभग हम ऐसे लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। और इसी तरह से हम सभी चीज़ों को एक एक करके भून लेंगे। ज़ीरा भी यहाँ पर भुन चुका है, अब हम मेथी दाना और राई और मेथी दाना और अजवाइन को भी अच्छे से, तकरीबन तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, इसी स्टेज पे हम डाल देंगे तकरीबन 1/2 डिब्बी हींग पाउडर। बस सिर्फ 1 मिनट ही हम इसे रोज कलर करेंगे और इसका एक हम बना लेंगे फाइन पाउडर। अब हम सौंफ, मेथी और अजवाइन को भी इसमें पलट देंगे और इसका बना लेंगे पेस्ट। अब हम मैं यहाँ पर सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ इसके अंदर, होममेड काला नमक। फ्रेंड्स, मैं कभी बाज़ार से पिसा हुआ नमक नहीं लेकर आती हूँ, मैं हमेशा मिक्सी में ये सिल पर नमक, काले नमक को पीसती हूँ और तब मैं इसका पाउडर बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्योर होता है। तो इसलिए हम इसको डाल देंगे मिक्सी के अंदर 1 टीस्पून भर के, और अब हम इसका बना लेंगे एक पेस्ट। फ्रेंड, जब आप घर बाज़ार से चीज़ लाकर घर में अपने हाथ से उस चीज़ को बनाते हैं तो वो बिल्कुल हमें प्योर मिलती है। फ्रेंड, बाज़ार में भी काला नमक मिलता है, लेकिन घर में चीज़ बनाई हुई जो होती है वो बिल्कुल प्योर होती है। तो इसलिए मैं नमक और मिर्च को ज़्यादातर घर पर ही पीसना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर पाउडर बिल्कुल पीस कर रेडी हो चुका है, और उसमें स्पून की हेल्प से भी हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसे स्टोर करने के लिए सूखे बर्तन में या एयरटाइट बॉक्स में हम इसे भरकर रख देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, आपका होममेड चूरन बनकर बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो चुका है, और इसे बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, और देखिए ये कितना टेस्टी है। इसे खाना खाने के बाद 1/2 टीस्पून दिन में और रात में आप ले सकते हैं।
आई होप आपको मेरी ये रेसिपी या मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। ये हमने कर दिया स्टोर।